राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 14 अक्टूबर को आमरण अनशन की चेतावनी दे दी गई है। महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने 14 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव का कहना है कि प्रदेश के बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर 23 फरवरी और 3 अप्रैल को एक लिखित समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक उस समझौते के लिए बिंदु नहीं लागू किए गए हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों हुई रीट की परीक्षा और एसआई परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से करवाई जाए। रीट परीक्षा के दौरान जिन केंद्रों पर लापरवाही बढ़ती गई है सामने आई है, उन परीक्षा केंद्रों की मान्यता को रद्द किया जाए। साथ ही नकल करने वाले और करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने समेत पहले से लंबित 1.5 दर्जन मांगों को 14 अक्टूबर से आर पार की लड़ाई की शुरुआत की जाएगी। एसआई और रीट में सीबीआई जांच हो, सख्त गैर जमानती कानून बने और जो पेपर लीक खुले पाए गए हैं, जहाँ परीक्षा केंद्रों की लापरवाही है, उनके मान्यता रद्द हो, कर्मचारी बर्खास्त हो और बेरोजगार दर्ज मुकदमे वापस हो, और जो हमारी विभिन्न मांगों को लेकर जो मंत्रियों से लिखित में समझौता हुआ था 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उन सभी मांगों को लेकर यानी कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हम 14 अक्टूबर को आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब आपको टोंक की तस्वीरें दिखाते हैं।